नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से तीन नतीजे निकले हैं। इसमें पहला नतीजा तो ये रहा कि भाजपा और राजद ने अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। दूसरा नतीजा ये रहा कि मोकामा में अनंत सिंह का जलवा उनके जेल जाने से भी कम नहीं हुआ। लेकिन तीसरा नतीजा ये हुआ कि दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह एक्सपोज हो गए। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में ये बात सीट शेयर से साबित हो गई कि नीतीश फैक्टर इन दोनों सीटों पर कोई असर नहीं रखता। ये बात भाजपा और राजद को मिले वोट शेयर से साफ हो जाती है। 2020 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तब भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे। इस बार नीतीश कुमार राजद के साथ हैं, फिर भी भाजपा को 70,053 वोट मिले। भाजपा को जो थोड़े कम वोट मिले हैं उसका एक कारण वोटिंग प्रतिशत का गिरना भी रहा। वही मोकामा की बात करें तो 2020 में अनंत सिंह ने नीतीश के उम्मीदवार के खिलाफ 78,721 वोट हासिल किए। जीत का मार्जिन 35,757 वोट रहा था, जबकि 2022 में नीतीश कुमार के साथ होते हुए अनंत सिंह की पत्नी को 79,744 वोट मिले। वही जीत का मार्जिन घटकर 16,741 रह गया। उपचुनाव में सीएम नीतीश ने सेफ गेम खेला। दोनों सीटों में से किसी पर भी सीएम नीतीश ने ना अपने उम्मीदवार दिए और ना ही उसके लिए थोड़ी बहुत भी हुज्जत की। भाजपा और राजद को लड़ने के लिए आगे कर दिया। चुनाव प्रचार के लिए भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बहुत हाथ पांव नहीं मारे, लेकिन जब जेडीयू राजद में टकराव की आशंका उठने लगी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाला। लेकिन नीतीश कुमार प्रचार में नहीं गए। सीएम की ओर से चोट लगने को प्रचार में नहीं जाने का कारण बताया गया। हालांकि इस पर सुशील मोदी ने सवाल भी उठाया कि छठ घाट घूम रहे हैं तो प्रचार में क्या दिक्कत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।